स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नई वाली 2024 बजाज पल्सर NS160। ये वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट डिटेल में ये बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। कंपनी ने 203 इसमें अपडेट दिए हैं, फीचर्स अपडेट किए हैं, वो आपको मैं पहले बता दूंगा। हम इसको कंपेयर करेंगे बजाज पल्सर NS160 को 2024 की जो N160 है उसके साथ, और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी बाइक बेटर हो सकती है, आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ। 1,46,000 रुपीज़ आपको एक्सशोरूम प्राइस देना पड़ेगा हैदराबाद का, एंड ऑन रोड आपको पड़ेगा 1,77,000 रुपीज़। एंड अगर आपको हैदराबाद से ये बाइक लेनी है तो अभिनंदन बजाज में ये बाइक अवेलेबल है, टेस्ट राइड आप कर सकते हैं, यहाँ से खरीद भी सकते हैं आप बाइक। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहला चेंज तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो किया गया है वो है इसकी हेडलाइट में। तो इसकी हेडलैम्प है ना, वो कंप्लीट चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आपको कंप्लीट LED हेडलैम्प मिलती है। एंड मैं गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दिखने में कैसी है। तो जैसे आप बाइक को स्टार्ट करोगे यहाँ पे जो DRLs है वो ऑन हो जाएंगे। एंड अगर आपको हाई बीम लो बीम यूज़ करना है तो यहाँ पे एक आपको बटन दिया गया है, उसको आपको लेफ़्ट में से स्वाइप करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का बटन दिया गया है, उससे आप हाई बीम लो बीम यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखिए, ये लो बीम है, ये होगी हाई बीम, ये लो बीम, ये उसकी होगी हाई बीम। ये तो पहला चेंज दिया गया है। दूसरा अपडेट आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो है, इसमें अब आपको USB चार्जिंग मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप ऑन द गो अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तीसरा अपडेट है, यहाँ पे आपको जो बटन्स वगैरह पहले मिलते थे ना, उसका पूरा लेआउट चेंज कर दिया गया है। चौथा अपडेट, यहाँ पे आपको नया सिस्टम कंसोल मिलता है जिसके लिए हम बहुत सालों से वेट कर रहे थे। आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। NS160 एंड NS200 में टर्न बाई टर्न TBT नेविगेशन मिलता है। आप अपने फ़ोन को आपकी बाइक के साथ कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड रेंज का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे RPM, तो ये सब ऑप्शन आपको मिलते हैं ये नए वाले सिस्टम कंसोल में। इसके अलावा कोई भी चेंज ये बाइक में नहीं हुआ है। चार कलर ऑप्शन में आती है एंड मैकेनिकली इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसको लेके चलते हैं राइड पे। सबसे पहले आपको मैं एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। Let's go. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। परफॉर्मेंस की बात करें तो इनिशियल RPM जो है ना, इनिशियल जो टॉर्क है लो RPM में, वो आपको थोड़ा यहाँ पे कम मिलता है। जो आपको ज़्यादा मिलता है पल्सर N160 में, उसमें इनिशियल टॉर्क आपको अच्छा मिलता है, उसमें आपको मिड रेंज भी तगड़ी मिलती है। बट यहाँ पे आपको जो पावर आउटपुट है ना वो ज़्यादा तगड़ा मिलता है मिड RPM में एंड टॉप RPM में। मतलब NS जो सीरीज़ है ना, NS आप 125 देख लो, NS160 देख लो, NS200, ये टॉप एंड की राजा मानी जाती है। N160 का प्लस पॉइंट यह है कि उसमें आपको इनिशियल जो टॉर्क है ना, इनिशियल जो पावर है ना लो RPM में, वो अच्छा मिलता है। उससे क्या है, वो आपको ज़्यादा ट्रैक्टेबिलिटी देती है। मतलब सिटी में राइड करने के लिए वो बाइक इससे ज़्यादा इनिशियल टॉर्क देगी, उसकी वजह से वो थोड़ी ज़्यादा ईजी रहेगी। इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो बहुत ही रिफाइंड है, ट्रस्ट मी। आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में भी ये बाइक को खींचेंगे ना तो आपको इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं आएंगे कि आपको चलाने में कोई दिक्कत हो। हालांकि थोड़ा बहुत बज़ आपको फील हो सकता है फुटबैक्स पे एंड थोड़ा सा जो टैंक है उसके दोनों ही तरफ। इसके अलावा कोई भी वाइब्रेशंस ये बाइक में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार टेस्ट राइड ले लीजिए। शोरूम का डिटेल मैंने आपको नीचे दे दिया है, वहाँ पर आप जाके इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं। हीट की बात करें तो यहाँ पर आपको हीट को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ट्रैफिक में आप चलाओ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओ, इसमें हीट की इश्यू आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। हालांकि NS200 में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके गियरबॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्लीपर एंड SS क्लच नहीं मिलता है, बट क्लच का जो पुल है ना वो बहुत ही लाइट है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गियर शिफ्टिंग जो है ना एकदम से प्रिसाइज है। आपको मैं एक बार लो गियर में बाइक को ले जाके शिफ्ट करके बता देता हूँ, तो शायद आपको उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट में कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा। अभी आप देखिए, मैं सेकंड गियर में हूँ, थर्ड गियर में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, एकदम से प्रिसाइज गियर शिफ्टिंग है। ये देखिए, गियरबॉक्स को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको क्लिक जो फील है ना वो आता है। सो क्लच एंड गियरबॉक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। ब्रेक्स की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है। पीछे का ब्रेक आपको मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे देख लेते हैं। सो पीछे के ब्रेक की बाइट
बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अब आपको मैं यहाँ पे सामने का ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, बट यहाँ पे शायद किसी का कुछ सामान गिर गया है चलने के टाइम पे। ओह, थोड़ी हेल्प करता हूँ भाई। चलिए सर, शायद कोई गाड़ी भी ऊपर से चली गई है। भाई नो प्रॉब्लम भाई, अभी और है, अभी और है, बहुत है। कहते हो नुकसान हो गया, उनका नुकसान हो गया ऑलरेडी। तो हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक्स के बारे में, तो सामने का ब्रेक आपको यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे देख लेता हूँ। तो सामने का ब्रेक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वाओ, रियली गुड, बहुत अच्छा है, डराएगा नहीं आपको। आप अचानक से ब्रेक मारोगे ऐसे, देखो ये आपको डराएगा नहीं। और जब भी आपको इमीडिएट ब्रेकिंग करनी होती है ना, मेक श्योर आप दोनों ब्रेक एक साथ यूज़ करें, 70% सामने का, 30% पीछे का। सो ब्रेकिंग ऑन पार है, इससे ज़्यादा ब्रेकिंग मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ एक 160 सीसी की बाइक से। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो सामने का जो सस्पेंशन है ना, वो एकदम से सही है, मतलब आप बैड रोड्स पे भी जाओगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हाई स्पीड पे जाओगे, कॉर्नर करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बट पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड फील दे रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे का सस्पेंशन आप प्रीलोड जो एडजस्ट करने का ऑप्शन है ना, वो यूज़ करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको सॉफ्ट चाहिए आप सॉफ्ट करा सकते हैं, थोड़ा और स्टिफ चाहिए स्टिफ भी करा सकते हैं। बट जो कंपनी का जो ट्यूनिंग है ना, अभी जिस बाइक को मैं चला रहा हूँ, ये परफेक्ट है। अगर आप हाई स्पीड पर जाते हो तो भी आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, कॉर्नरिंग में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो आप ये वाली सेटिंग रख सकते हैं। एंड अगर आप को और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए तो पीछे का सस्पेंशन आप थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। सस्पेंशन को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सीटिंग पोस्चर यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसका सीटिंग पोस्चर जो है ना, वो थोड़ा सा स्पोर्टी है व्हेन यू कंपेयर विथ पल्सर N160। इसमें थोड़ा सा एक जो चेंज है ना, वो हैंडल बार का है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन हैंडल बार मिलता है, बट काफ़ी वाइड मिलता है, तो उससे क्या है आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर मिल जाता है। सो वो एक यहाँ पे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर मिलेगा और N160 में आपको थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये बाइक जब चला रहे हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सीट कंफर्ट जो है ना, वो दोनों ही बाइक का ज़बरदस्त है, बट N160 जो है ना, उसमें आपको पिलियन का जो कंफर्ट है वो इससे थोड़ा अच्छा मिलेगा। एंड कंफर्ट वाइज कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली, अगर आप पिलियन के साथ भी जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर मैं कंपेयर करूँ N160 के साथ, तो उसमें ज़्यादा आपको कंफर्ट मिलता है पिलियन के लिए। बट अगेन देखो, ये जो बाइक है ना, ये स्पोर्ट्स नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी की है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको स्पोर्टी फील मिलता है, स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर मिलता है। सो अगर आपको स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर चाहिए तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और हैंडलिंग में बताऊँ आपको, हाई स्पीड पे इसकी हैंडलिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ द क्लिप ऑन हैंडल बार एंड द वे यू सिट ऑन द बाइक। सो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपको और ज़्यादा सीट कंफर्ट चाहिए तो पल्सर N160 आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा इंजन को लेके, वो ये है कि आप देखिए अभी मेरी स्पीड जो है ना, ये 25 है, 25 स्पीड है 24, और मैं पाँचवें गियर में हूँ। पाँचवें गियर में 25 की स्पीड पे ये बाइक चल पाती है। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिटी में। आप चाहो तो 15 से 20 की स्पीड में चौथे गियर में चला सकते हो, तीसरे गियर में चला सकते हो, विच इज़ गुड। बाइक हल्की होनी चाहिए और बाइक हायर गियर में लो स्पीड पर अच्छे से चल पानी चाहिए अगर आपको सिटी में बाइक को यूज़ करना है ज़्यादा। सो ये एक मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ इस बाइक की लगी। थोड़ा सा यहाँ पे भगाते हैं, इवन एट दैट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, नो वाइब्स। जो साउंड है ना एग्जॉस्ट का, वाह बहुत अच्छा है। मतलब आप ऐसे इंसान हो जिसको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की यू नो इच्छा है, सो आपको ये बाइक पे वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसका रोर सुनिए, समझ में आया कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये बाइक पे।
अब हम बात करते हैं माइलेज के बारे में। तो यहाँ पे आपको माइलेज जो है ना वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी मेरे को मिल रही है 70 की, मतलब 70 की इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी मेरे को मिल रही है। बट ये चेंज होती रहती है आपके राइडिंग बिहेवियर पे, क्या आप आरपीएम पे चला रहे हो, कौन से गियर में आप चला रहे हो। बट आराम से ये बाइक से आप 40 प्लस का माइलेज निकाल सकते हैं, वो भी मैं सिटी में बता रहा हूँ। 40 प्लस का माइलेज ये बाइक से आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो 45 प्लस का माइलेज ये बाइक आपको आराम से दे देगी। अगर आपको चाहिए इसका माइलेज टेस्ट करूं, और आपको ये भी चाहिए कि इसका और पल्सर N160 का एक साइड बाई साइड कंपैरिजन किया जाए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा। अब बात ये आती है कि आपके लिए कौन सी बाइक सही रहेगी, आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। पल्सर N160 लेनी चाहिए अगर आपको बजाज की बाइक लेनी है, या फिर बजाज पल्सर NS160 लेनी चाहिए जो नया वाला मॉडल है। सो अब हम बात करते हैं कि आपको पल्सर N160 लेनी चाहिए या फिर आपको NS160 लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेटर हो सकती है। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई आपको N160 में ज़्यादा पावर मिलता है और ज़्यादा टॉर्क मिलता है अगर मैं N160 से कंपेयर करूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको USD अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलता है जो आपको टेलीस्कोपिक मिलता है N160 पे। इसके अलावा अब इसमें आपको एक बेटर हेडलैम्प मिलती है, बेटर हेडलाइट मिलती है जो आपको ज़्यादा रोशनी देगी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, दोनों ही बाइक्स का मैं हेडलैम्प है ना नाइट के टाइम पे टेस्ट करूंगा। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको वो वीडियो चाहिए। बट अभी मुझे लगता है कि इसकी जो हेडलैम्प है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी व्हेन यू कंपेयर विद N160। इसके अलावा ये जो बाइक है ना, ये टॉप एंड में एंड मिड रेंज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है व्हेन यू कंपेयर विद N160। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा टॉर्क मिलता है, बेटर हेडलैम्प मिलती है, एंड आपको USD सस्पेंशन यहाँ पे मिलता है। N160 जो है ना, उसमें आपको बेटर लो एंड टॉर्क मिलता है, उसमें आपको बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है 14 लीटर का। इसके अलावा वो थोड़ी सी ज़्यादा इजी टू राइड है अगर आप सिटी में चलाते हो, सिटी पर्पज़ के लिए अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो N160 थोड़ी इजी टू राइड रहेगी। इसके अलावा उसमें जो सीट कंफर्ट है ना, वो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा व्हेन यू कंपेयर विथ NS160। उसमें आपको पिलियन का कंफर्ट भी इससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा उसमें आपको ज़्यादा एग्रेसिव बाइक नहीं होने की वजह से थोड़ा माइलेज है ना उसमें ज़्यादा मिलेगा। सो अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा स्टाइलिंग चाहिए, तो आप ये बाइक ले सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी या फिर थोड़ी और ज़्यादा इजी टू राइड एंड बेटर सीट कम्फर्ट चाहिए, तो आप N160 ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ इंप्रूवमेंट मुझे लगता है कि ये बाइक में कर देने चाहिए थे बजाज ने, बिकॉज इन्होंने इतने अपडेट्स दिए हैं, तो थोड़े बहुत अपडेट कर देने चाहिए थे। इसमें आपको एक मुझे लगता है कि बड़ा टायर मिलना चाहिए। इसमें आपको 130 सेक्शन का टायर मिलता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। NS200 में भी सेम आपको टायर मिलता है, NS160 में भी आपको सेम टायर मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एक बड़ा एटलीस्ट 140 सेक्शन का टायर मिलना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको लो एंड जो टॉर्क है ना, वो थोड़ा और ज़्यादा मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, थोड़ी सी ट्यूनिंग और बेटर की जा सकती थी। बट मिड एंड टॉप बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा N160 जो है ना, वो इससे ऑलमोस्ट 12 से 13 हज़ार रुपये कम में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे 10 से 12 हज़ार रुपये सेव कर सकते हो। तो ये मेरा राइड एक्सपीरियंस था 2024 बजाज पल्सर NS160। अगर आपको और कुछ जानना है बाइक के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कंपैरिजन वीडियो देखना है ये बाइक का किसी और बाइक के साथ, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें। आई विल मेक श्योर कि आपके लिए वीडियो मैं बनाऊं। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।